मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ शिमला से मनाली, और आज हम मनाली में जा रहे हैं सोलांग वैली। दोस्तों, सर्दियों में जब बाकी सारे स्नो पॉइंट्स बंद हो जाते हैं मनाली के, तब लोग स्नो एंजॉय करने के लिए जाते हैं सोलांग वैली। दोस्तों, सोलांग वैली अपने स्नो के लिए तो फेमस है ही है, साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसे इंजॉय करने लोग वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सोलांग वैली के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा आपको बताऊंगा अंजलि महादेव मंदिर के बारे में, जो वहाँ से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स और ऊपर है, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और ये मंदिर अम्बरनाथ मंदिर की तरह अपने आप खुद ब खुद बर्फ़ से बन जाता है, इसलिए इसे भी यहाँ पर बाबा बर्फानी अंजलि महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो चलो चलते हैं आज सोलांग वैली। वैली के जो रास्ते में आपको जगह जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सोलांग वैली में, और हम सोलांग वैली से अब जा रहे हैं अंजलि महादेव टेंपल। दोस्तों, सोलांग वैली में अगर आप आते हैं तो अक्सर यहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है, जब आप ठंडियों में आएंगे तो ठंडी में अगर आप आते हैं तो आपको ऐसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पर 250 रुपये पूरे कपड़े मिल जाते हैं आपको, और अगर बर्फ़ नहीं पड़ रही है तो भी आपको गमबूट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्नो में चलने के लिए आपके रेगुलर शूज़ काम नहीं आएंगे, आपको गमबूट लेने पड़ेंगे। तो ये 100 रुपये पर जोड़ी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। दोस्तों, सोलांग वैली से अब हम जा रहे हैं अंजलि महादेव मंदिर की तरफ। दोस्तों, वहां जाने के लिए आपको पैदल भी जा सकते हैं, अराउंड 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो आप पैदल भी कर सकते हैं। तो हमने तो हॉर्स लिए हैं, तो हॉर्स आने जाने के 600 रुपये चार्ज करते हैं, ऊपर ले जाने और लेकर आने के 600 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। दोस्तों, सोलांग से हम आ चुके हैं अंजलि महादेव टेंपल के पास। अंजलि सोलांग वैली से अंजलि महादेव के लिए जो हॉर्स राइड है वो बहुत ही अमेजिंग है, जो एक्सपीरियंस है वो आपको कमाल का है। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं तो अंजलि महादेव जरूर आइए। हमने हॉर्स राइडिंग को कल भी शिमला में भी एक्सपीरियंस किया था कुफरी में, बट वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही हॉरेबल था। अगर आप सोलांग से अंजलि महादेव का जो हॉर्स राइड है, डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करने वाले हैं।
हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंजलि महादेव मंदिर के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हो शिवलिंग मंदिर को, पीछे दिखाई दे रहा है। इस शिवलिंग का सबसे बड़ा थ्रिल तो ये है दोस्तों कि यहाँ से इस पॉइंट से पूरे शिवलिंग तक बिना जूते के जाना है। दोस्तों अंजलि महादेव की जो चढ़ाई है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। सबसे पहली बात तो जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, और दूसरी बात -4 डिग्री का टेम्परेचर है, और आपको नंगे पैर वहाँ से आना है यहाँ तक। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से ही दर्शन कर लीजिए, इसके आगे आप ना जाएँ तो बेटर है। मेरे पीछे जो आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ पर है अंजलि महादेव मंदिर। हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अब उतर कर आ गए हैं सोलांग वैली। यह है मनाली का मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस सोलांग वैली। दोस्तों लोग यहाँ पर स्नो एंजॉय करने आते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर रोपवे है, स्कीजेट है यहाँ पर, उसके बाद जॉर्बिंग वगैरह यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपको आने पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करने मिलेगा। है सोलांग वैली, यहाँ पे बहुत एंजॉय किया है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मनाली के लिए, और आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।